थी, जिसमें लगभग 25 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंजूरी भी दी गई है। लेकिन आपको सबसे खास और महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू यहाँ पर किया गया है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि कर्मचारी संघ के तमाम जो लोग हैं इस वक्त सीएम आवास में पहुंचे हुए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आभार व्यक्त करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे। जब आप प्रोजेक्ट भवन का दृश्य जरूर देखे होंगे उस दिन कि किस तरीके से ढोल मांदर के साथ तमाम जो कर्मचारी है वो अपना खुशी लोगों के समक्ष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो कर्मचारी है वो इस वक्त सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी खुशी है। जरूर हम कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी महसूस हो रही है और कैसा लग रहा है, तो जरूर हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, पुरानी पेंशन लागू हो गई है, कैसा लग रहा है? मैम 1 सितंबर 2022 से लागू हो गई है। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा मैम, बुढ़ापे का सहारा मिल गया। ये बहुत हम लोग को मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी जो हम लोग को मिला। कितनी खुशी महसूस हो रही है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि इतने सालों के बाद हमारा पेंशन स्टार्ट हो गया है, हमारा भविष्य सुरक्षित हो गया है। धन्यवाद। आप लोग सीएम आवास पहुँचे क्यों? हम अपना आभार व्यक्त करने के लिए पहुँचे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन के बदौलत ही हमें पेंशन हमारी स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि सीएम को आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग सीएम आवास पहुँचे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी है झूमते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे, अपनी खुशी यहाँ पर व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे। और इनका सीधे शब्दों में कहना है कि लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। एक और जहाँ में झारखंड में जिस तरीके से राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कई लोगों को यहाँ पर सौगात भी मिला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। और इससे पहले भी प्रोजेक्ट में कई जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे ढोल मांदर के साथ, वहाँ पर चिरकते हुए भी दिखाई दे। जरूर हम बात करेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत खुशी है। यहाँ पे क्यों आए, सीएम के पास क्यों आए? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस्तीफा को लेकर भी बातें सामने आ रही है। हाँ, हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी लेकर जो इस्तीफा की बात है वो सामने आ रही है, सियासी हलचल के लिए हेमंत सोरेन की बात जो वादा किए थे वो सब पूरा कर रहे। हम कर्मचारी खुश है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। की जो रैली हुई थी इसमें भी पानी था, जब हमारा संघर्ष शुरुआत के दौर पे था और आज समापन के दिन पे ही पानी है, तो भगवान भी कृपा बरसा रहे हैं और हेमंत सोरेन भी कृपा बरसा रहे हैं, तो हम लोग भी सब उन पे कृपा बरसा रहे हैं। खुशी महसूस है ना पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, भरपूर खुशी है, बहुत खुशी है। देख सकते हैं झूमते नाचते तमाम जो कर्मचारी है वो इस वक्त सीएम आवास पहुँचे और इनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, स्वीकृति मिल गई थी, 1 सितंबर को लागू हो गया है। इसको लेकर तमाम जो कर्मचारी है वो बेहद खुश है और यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन को आभार व्यक्त करने के लिए पहुँचे। एक बार हम पूरा अपने कैमरा सहयोगी से बोलेंगे, पूरा पैन करके कैमरा को दिखाइए कि किस तरीके से तमाम जो कर्मचारी संघ के लोग हैं इस वक्त सीएम आवास के पास पहुँचे हुए हैं और लगातार अपनी बातों को सीएम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सौगात दी है उससे वो लोग बेहद खुश हैं। ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि राजधानी रांची में बारिश शुरू हो गई और इस बीच लोग काफी खुश है, नाचते गाते और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और भी लोगों से बात करते कि कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का माहौल है, हमारी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिस मुद्दे को रखा था, जिस भावनात्मक मुद्दे को पकड़ा था, आज पूरे झारखंड के सरकारी कर्मचारी उनका आभार प्रकट करने के लिए आए हुए हैं और यह आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के सरकारी कर्मचारी अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और हम आभार प्रकट करते हैं झारखंड सरकार का, मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों का, सभी विधायकों का कि उन्होंने हमारे भावनात्मक मुद्दे को देखा, पकड़ा और चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे पूरा। झारखंड में सियासी हलचल भी तेज हो गई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर किस रूप से देख रहे हैं आप?
हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन पीछे नहीं हटना, हम सभी आपके साथ हैं। हेमंत सोरेन के साथ हैं, सियासी हलचल चलते रहेगी। और हेमंत सोरेन ने जो वादा किया है सभी कर्मचारियों, ना सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, हर वर्ग के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने सरकारी कर्मियों को भी उनका हक दिया है, तो हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं और सरकार में कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरी तरह से स्थिर है। आपने सुना कि झारखंड की सियासत और जिस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप मत डरिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि एक और नाम ने कैबिनेट की बैठक में कई जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो वहाँ पे स्वीकृति मिली है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है कि पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, जिसको लेकर कर्मचारी संघ यहाँ पे यानी कि सीएम आवास में आकर ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफी बड़ी सौगात हम लोगों को दी है। दूसरी ओर आप एक बार तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि फिलहाल होली तो नहीं है, लेकिन सीएम आवास के समीप तमाम जो लोग हैं वो होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं। देश में सिर्फ पहली घटना है, सरकार के कर्मचारी लोगों के खुशी के बाद यह देश में सिर्फ पहली बार है जो देश में सरकारी कर्मचारी अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं। प्रतीक्षित मांग जो पुरानी पेंशन थी, जो बीजेपी सरकार वालों ने हम लोगों के सभी सरकारी कर्मी का गला घोटने का काम किया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा जो लागू की गई है, उसी के खुशी में हम लोग आज सीएम आवास के गेट पर मोराबादी से चल करके आए हैं और जश्न मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से भी अभी मिलेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी को। झारखंड की मौजूदा हालात जो है, राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उसको आप किस रूप से देख रहे हैं? ये सब एक जो है ना, एक ड्रामा है। इस ड्रामा से हमारे हेमंत सोरेन का कोई बाल बाका बिगड़ने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन की कुर्सी नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो उससे चिंता वो नहीं करते हैं। वे विजन वाले नेता हैं, उनमें शक्ति है, सब चीज है, वो समझते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है, हम लोगों की जहाँ तक मानना है कि सरकार गिरने वाली नहीं है। बीजेपी वाले डुगी ड्रामा करते रहे, सरकार नहीं गिरेगी। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन्होंने हमें सम्मान दिया, सम्मान के लिए हम लोगों ने एक संकल्प दिया कि एक सीएल पेंशन के नाम हम लोग जितने भी यहाँ पे कर्मचारी आए सब लोग अपने सीएल को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हैं। उनके ऊपर जो राजनीतिक संकट आई हुई है, उस संकट का आना राजनीति में अपने आप को मजबूत करना होता है। इस तरीके से उन्होंने हमें हमारे साथ वादा किया और हमारे साथ वादा जो किया उस वादा को पूरा किया है, तो हम भी उनके साथ वादा करते हैं कि उनके ना तो कुछ बिगड़ेगा और अगर कुछ हो भी जाता है, क्योंकि राजनीति में ये सब होता रहता है, उससे उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड का एक एक आदमी उनके साथ है, क्योंकि वो वादे वाली सरकार है, वादा जो करते हैं उस वादा को पूरा करते हैं। उम्मीद है कि ये सरकार अगर यहाँ पर रहेगी तो जिस तरीके से अभी कर्मचारियों का कल्याण हुआ है, तो ये झारखंड राज्य का भी 20 सालों में जो विनाश होता आया था उसका कल्याण होना इस चीज का हमें पूरा यकीन भी है। और जिस यकीन को लेकर हेमंत सरकार आगे बढ़ रही है, उस यकीन में और मजबूती आएगी। इसी के साथ मैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो वादा किया था उस वादा को बहुत जल्द पूरा किया, और इसके लिए हम भी उनसे वादा करते हैं कि उनके हर एक वादे को जो हमसे उम्मीद करेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। सुना कि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे वो वादे यहाँ पर उन्होंने पूरा कर दिया है, जिसको लेकर तमाम जो कर्मचारी संघ के लोग हैं वो सीएम आवास में इस वक्त पहुंचे हुए। एक बार हम आपको
इनके कृतज्ञ रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। हमारी आपसे एक सवाल है कि झारखंड की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर लगभग सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, इसको आप किस रूप से ले रही है? इतने कठिन परिस्थिति में अगर हेमंत सरकार ने हम सरकारी कर्मचारियों का साथ दिया है तो हम सभी हेमंत सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ा के मिला के उनके साथ खड़े हैं, और इस विपरीत परिस्थिति में अगर सरकारी कर्मचारियों की इतनी बहुप्रतीक्षित मांग उन्होंने